आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में उड़द का उत्पादन 2020-21 में 23,04,000 मीट्रिक टन से घटकर 2021-22 में 20,05,000 मीट्रिक टन होने की संभावना है। नई फसल की आवक कुछ क्षेत्रों में शुरू हो गई है। चूंकि इस साल भारत में उत्पादन का आकार कम है, कीमतों में मौजूदा स्तर से ज्यादा गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। अगर भारत में रबी की फसल को मौसम के खराब होने के कारण बहुत नुकसान होता है तो घरेलू उड़द की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर म्यांमार से उड़द का आयात लगातार बढ़ रहा है और 2021 में 6,95,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। म्यांमार में इस साल उत्पादन 6,75,000 मीट्रिक टन आंका गया है। कुल उपलब्धता 6,80,000 मीट्रिक टन है। म्यांमार में उत्पादन बढ़ रहा है। वहां के ट्रेड एसोसिएशन भारत सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो आयात कोटा बढ़ा दें। भारत ने म्यांमार से 5 वर्षीय MOU साइन किया है। इसके अनुसार भारत 2.5 लाख टन उड़द सालाना आयात करेगा। इस कोटे को बढ़ाने की मांग उठ रही है। गौरतलब है कि भारत म्यांमार का महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है। सरकार चुनावी वर्ष में महंगाई रोकने में लगी है। ऐसे में भारत सरकार जल्द ही म्यांमार से दलहन उत्पादकों की मांग मानकर अपना आयात कोटा बढ़ा सकती है। इससे भारत में मांग सप्लाई के अंतर को भरने में मदद मिलेगी। मौजूदा स्तर पर उड़द की कीमत को तंग सप्लाई का समर्थन मिल सकता है। यदि भारत में रबी की फसल 15-20% कम होती है तो उड़द की कीमत फिर बढ़ सकती है। उड़द वैश्विक उपलब्धता 2022 में 27,03,000 मैट्रिक टन आंकी गई है, जो कि 2019-20 के समान है। शुक्रवार को मकर संक्रांति के कारण अनाज मंडी में फिलहाल अवकाश देखने को मिला था और वहीं शनिवार और इतवार के बाद सोमवार को जब मंडियां खुलेंगी तो कीमतों पर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।